फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। आप सब कैसे आए हो? आप सब अच्छी होंगी। तो देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ और आज है दिन सोमवार, तो आज सेकंड सोमवार है, सावन सोमवार। तो मैं नहा धोकर रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए, मैं आपको भी लेके चलती हूँ और आज मैं आपके साथ पूरा रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ चलिए आप भी, और मैं आपको लेके चलती हूँ। मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद फिर दूसरे काम करूँगी। तो चलिए, ये देखिए, तो मैंने पूजा कर लिया है, क्योंकि मैं पूजा की वीडियो नहीं शेयर कर पाई, भूल गई थी। तो पूजा करने के बाद मैंने आपको दिखाया है, तो ये पूरा मैंने पूजा वाले रूम का अपना लुक दिखा दिया है। तो पूजा करके पूरा मैं पूजा ख़त्म कर ली है, मैंने पूजा कर ली है अच्छे से। और ये आपको दिया दिख रहा होगा ब्लैक, इसमें कपूर जला था, तो दिया गर्म थी इसलिए मैंने हटाया नहीं था। तो बस ये पूजा हो गई हमारी, अब हम चलते हैं बाहर किचन में। क्या चाहिए? दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दे रहे हैं। रुको रुको रुको, दे रहे हैं। ये मुंह ऐसा करती है कि दूध को डालने भी नहीं देती, ऐसा लगता कप में ही ना मार दे। तो बस ये पी लेगी, उसके बाद फिर मैं चलती हूँ, दूसरे काम करती हूँ। चलिए, ये तो पीती रहेगी। और ये एक्चुअली क्या है, श्रेयांस ने भी ना मुंह लगा के रखा है ऐसे, वो कुछ भी, वो आई और पीछे से आवाज़ देगी, आवाज़ करेगी म्याऊं म्याऊं करके, तो ये श्रेयांस पहले ही निकल के जाएगा और कुछ भी खाता रहेगा, चॉकलेट बिस्किट कुछ भी, तो उसको दे देता है। तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आने लगी, अब सुबह शाम दोनों टाइम आना उसका हो गया, दिन में भी आके बैठी रहेगी और उसको खाना होगा तो आवाज़ दे के बुलाएगी अगर हम लोग नहीं रहेंगे वहाँ। तो इस तरीके से जैसे घर की पालतू बिल्लियाँ रहती हैं ना, उस तरीके की हो गई है एकदम। तो फिर मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि मतलब भटकते रहते हैं, उनको वैसे भी खाने कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं आती है तो थोड़ा बहुत दे देती हूँ दूध वगैरह। ये देखिए, तो मेरा किचन का काम स्टार्ट हो गया, मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने एक साइड में दूध बॉईल करने के लिए रखा और चाय बन रही है मेरी। तो ये देख लीजिए, और मैं चाय में अदरक डाल देती हूँ। अभी आप पीछे देख रहे होंगे, कपड़े देख रहे होंगे, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, 3-4 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है और कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। तो फिर बस मैंने अंदर ही ऐसे जो रस्सी होती है उसे बांध कर फिर कपड़े डाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो बस वही दिख रहा है। और ये मैंने कद्दू लिया है, चाय हमारी खौलने लगी है, बस बनी गई है। तो ये कद्दू मैंने काट लिया है और हम छिलके वाला ही कद्दू बनाते हैं, मतलब छिलका छील के नहीं बनाते हैं। तो बस कढ़ाई मैंने रख दी है, इसमें ऑयल डाल दिया है, और कद्दू को हम हमेशा ही जो मेथी दाना होता है ना उससे फ्राई करते हैं, जीरा राई से नहीं करते हैं, मेथी से करते हैं। और मैं आज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी, नहीं तो लहसुन मिर्च और मेथी से फ्राई बघार लगाते हैं, लेकिन आज मैंने लहसुन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि आज सोमवार है, मेरा फास्ट है, जहाँ तक हो सके तो मैं नहीं करती हूँ सोमवार को, मतलब फास्ट रहता उस दिन। तो ये देखें, ये मैंने सब्जी काट के डाल दी है, जो कद्दू था वो भी डाल दिया है, एक वो बड़ा रह गया था तो फिर मैंने उसको भी काट के डाला है। और थोड़ी देर बाद मैंने ढक के रख दिया था, थोड़ी देर बाद देखा तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे, तो 2-4 मिनट और हम पकाएंगे इसे ढक कर। ये देखिए, सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े से, बट थोड़ा सा और पकाना है हमें इसे। और हमारा दूध भी बॉयल हो गया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके ज़रूर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए, हमारा दूध बॉयल हो गया है और ये सब्ज़ी भी बन मतलब पक गई है सारी सब्जियाँ। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, तो मसाले हमें नॉर्मली डेली वेयर वाले मसाले डालने हैं जो डेली में हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं नमक डालूँगी, नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा मसाला हम कद्दू की सब्ज़ी में नहीं डालते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। तो नमक डाल दिया और थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसमें मिर्ची और हल्दी और धनिया पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, धनिया पाउडर, मिर्ची और हल्दी डाल के और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के हम चला देंगे।
और फिर टमाटर डाल देंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा हमारा मसाला हो जाएगा उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने मसाले डाल दिए हैं, मसाले डालने के बाद हम इसमें फिर टमाटर ऐड करेंगे। तो ये हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, ये लाल मिर्च है, देगी मिर्च है वो डाली है मैंने, और फिर बस थोड़ा सा हमारे मसाले भुन जाएंगे उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और जो ये कद्दू की सब्ज़ी है इसे बिना खटाई के अच्छी नहीं लगती, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो फिर जो आम की वो जो खटाई होती है ना, आम के आम को काट कर सुखाया जाता अमकरिया जिसे बोलते हैं, वो भी मैं डालूंगी इसमें। तो उसे मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था। तो बस ये देखिए मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है ये, और सब्जी थोड़ी सी बनाया है क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो इनको बस खाना है, टिफ़िन बस लेके जाना है, तो थोड़ी सी सब्जी बनी है। तो दो चार ही अमकरिया भी मैंने डाला है। तो बस ये देखिए टमाटर डाल दिया था, टमाटर भी पक गए हैं, सब्जी हमारी पक गई है। तो अब मैं इसमें अमकरिया जो मैंने फुला कर रखा था पानी में, इसे भी मैं डाल दूंगी और थोड़ी देर ढककर हम पका लेंगे। ये देखिए मैंने ये डाल दिया है आम की खटाई, और फिर हम इसे थोड़ी देर चलाकर ढककर रख देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से जो इसका टेस्ट है और खटाई, जो खटाई का टेस्ट है और खटाई भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस ढककर हम पकाएंगे और हमारी 2 मिनट बाद ही हम खोल लेंगे। और एक साइड मैंने चावल भी बनाया है क्योंकि दाल और चावल स्टैंड्स के लिए बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए दाल बन गई थी तो मैंने चावल बनाया है। और ये देखिए सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है ना, बस धनिया की कमी हो गई। श्रेयांस की मस्ती और इसके बाजार फैली हुई है, पूरी बाजार लगा के रखा है इसने डॉइस की, देख रहे हैं ना आप, इसका यही रहता है। क्या कर रहे हो, ये क्या फैला के रखे हो? टॉयज ऐसे फैलाते हैं? हाँ। फैलाए हो तो खेलो फिर। इनका भी काम चल रहा है और मैं वीडियो मोबाइल लेके यहाँ वीडियो बनाने के लिए तो उठ के भाग गए क्योंकि ये कैमरा से आया है। इधर दो, हमको दे दो, हमको दे दो, मार दे दो। कितने का दे रहे हो, कितने का दे रहे हो, कितने का दे रहे हो, पैसे तो बताओ। हाँ 4 रुपये का दे रहे हो। अपने श्रेयांस ने मार्क्स भी भेज दिया और टॉयज भी फैला दिए, मतलब बहुत उदम करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।